खरगोन जिले में ग्राम रोजगार सहायक, पंचायत सहायक, सचिव, कर्मचारी विगत कई वर्षों से कम वेतन मान पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके बावजूद भी आज तक समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया। ग्राम रोजगार सहायक, पंचायत सहायक, सचिव, कर्मचारी संगठन खरगोन द्वारा एक रैली निकाली गई, जो कलेक्टर कार्यालय पहुंची और मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम कलेक्टर कार्यालय को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने बताया कि शासन द्वारा काफी समय से मांग की जा रही है, लेकिन आज तक मांगों पर विचार नहीं किया गया। कर्मचारियों ने मांग की है कि वचन पत्र अनुसार ग्राम रोजगार सहायकों को नियमित किया जाए। रोजगार सहायक पर झूठी FIR होने से सेवा समाप्त हो जाती है, जबकि दोष सिद्ध होने पर सेवा समाप्त होना चाहिए। PF का प्रावधान हो, ग्राम रोजगार सहायक की आकस्मिक दुर्घटना मृत्यु होने पर अनुग्रह सहायता राशि 5 लाख का प्रावधान हो, ऐसी कई समस्याओं को हल करने की मांग की गई है। अगर समय रहते समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो कर्मचारियों ने आंदोलन करने की बात भी कही है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश ग्राम रोजगार सहायक सचिव ग्राम रोजगार सहायक भोपाल के आह्वान पर आज एक दिवसीय जिला स्तर पर रैली एवं ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय पंचायत मंत्री जी के नाम सौंपा है। ग्राम रोजगार सहायक संगठन की एक ही मुख्य मांग है, नियमितीकरण किया जाए। नियमितीकरण नहीं हुआ तो आगामी 20 तारीख को बैठक भोपाल में है, जिला अध्यक्षों की बैठक है, उसके बाद कलम बंद। अगर शासन प्रशासन इसके बाद भी नहीं सुनता है तो हम कलम बंद हड़ताल करेंगे। कांग्रेस सरकार ने हम चुनाव से पहले भी वचन दिया था हमें कि हमारी सरकार बनते ही 90 दिन में तुम्हें नियमित किया जाएगा, लेकिन आज 8 महीने गुजरने के बाद भी सरकार हमारे बारे में कोई सुध नहीं ली। आज आप चेतावनी सरकार को देने हैं? बस सरकार की ही चेतावनी है कि 20 तारीख को भोपाल के बाद अगर फिर भी जागृत नहीं हुई सरकार तो हम आगामी तारीख को डिसाइड करके प्रदेश व्यापी हड़ताल करेंगे। क्या शुभ नाम? विजय सिंह चौहान, जिलाध्यक्ष खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।